चुपचाप बैठकर सुनेंगे कि किसानों को आतंकवादी कहा जाएगा एक नेशनल न्यूज टीवी पर आपके सामने आपसे। मैं किसान की बेटी हूं, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसानों को आतंकवादी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप चुप रहिए, शांत रहिए। भानु भानु जी उनकी बात को सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। तो अगर आपके अंदर इतना दम है सुनने का तो चुपचाप सुनिए। अब आप नहीं बोलेंगे बीच में, क्योंकि आप बोल चुके जो आपको बोलना था। मेरी भी सुनते रहिए, किसानों को आतंकवादी कहेंगे, मेरी भी सुनते रहिए। तुम्हारे अंदर आप बोले, आप चुप रहिए ना। मेरी भानु जी आपसे निवेदन है, बोलिए कांग्रेस के। भानु जी निवेदन है आपसे, अमित जी आप भानु जी आप वो अपनी बात 50 सेकंड एक मिनट रख ले, फिर आप रिएक्ट करिएगा। भानु जी आप मेरा निवेदन को मानिए। ओके बोलिए सुप्रिया। ये क्या बात है भाई, मैं फिर से बोलूंगी, मैं किसान की बेटी और किसान को आतंकवादी कहना मुझे नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनको माफी मांगनी चाहिए हर किसान से। इन्होंने दूसरी बात कही, क्या जरूरत थी झंडे काले दिखाने की? अरे ये लोकतंत्र है, आप भूल गए हैं शायद हिटलर शाही में, कि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में ये मानी हुई प्रक्रिया है कि आप काले झंडे दिखा सकते हैं। काले झंडे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को दिखाया जा सकता है, ये तो उप मुख्यमंत्री थे। आपने जो बात कही अमीश जी, अब मैं उसका जवाब देती हूं। हिटलर शाही में लोग भूल चुके हैं कि प्रदर्शन कैसे होते हैं शांतिपूर्ण। अगर आपने एफआईआर पढ़ी हो या आपके रिपोर्टर्स ने आपको एफआईआर पढ़ के बताई हो, तो उसमें साफ तौर से अंकित है कि मोनू भैया जो अजय मिश्र टेनी वहां के सांसद, राज्य गृह मंत्री भारत सरकार के सुपुत्र, वो लौट रहे थे उस कार्यक्रम से जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। 5 दिन पहले टेनी जी ने उल्टा अंगूठा दिखाकर मखौल उड़ाया था, जो काले झंडे उनको दिखाए जा रहे थे बेहद शांतिपूर्ण ढंग से, वो वीडियो सर्वविदित है। उन्होंने 3 दिन पहले एक धमकी देकर भाषण में कहा था, आप जानते नहीं मैं एमपी एमएलए बनने से पहले क्या था, ठीक कर दूंगा, यहां पर पलिया तक रहने की जगह नहीं मिलेगी। सबको पता है वो कौन थे, उनके ऊपर 302 हत्या का मुकदमा चल रहा है, वो भारत सरकार में राज्य गृह मंत्री हैं। ये दो चीजें हुई। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं और आक्रोश में थार जीप में थे वो सबसे आगे चल रहे थे और पीछे की गाड़ियां किसानों के पीछे से रौंदी जाती हैं, किसानों के ऊपर चल जाती हैं। जो उसके बाद हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, दोनों तरह से दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं किसी भी तरह की हिंसा की, लेकिन ये आपका वर्जन है, ये आपका वर्जन है कि टेनी के बेटे, ये आपका वर्जन है कि टेनी के बेटे आगे थे, ये आपका वर्जन है कि टेनी के बेटे आगे थे और गाड़ियां पीछे थी। क्योंकि दूसरी तरह का, दूसरी साइड का वर्जन ये है सुप्रिया जी, आप इत्मीनान से इसको सुनिए। दूसरी साइड का वर्जन ये है कि वहां से गाड़ियां जा रही थी, उनपे पत्थर भाजे गए, उनपे लाठियां भाजी गई और उन पत्थर भाजने की वजह से ही जीप उल्टी, और जीप उल्टी तो किसानों पर गिरी वो, इसलिए किसान वहां पर घायल हुए, किसान मर गए और साथ ही साथ गाड़ी में बैठे हुए लोगों का भी देहांत हो गया। और उसके बाद जो बच गया उसको वहां पर जो लोग थे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने डंडे मार मार के मार डाला। आपके सामने वीडियो चलाए हमने, और एक व्यक्ति को तो कहा जा रहा है कि तुम बोलो तुम्हें टेनी ने भेजा था एक्सीडेंट करने के लिए, वो मना कर रहा है, वो कह रहा है दादा मुझे बख्श दो, वो हाथ जोड़ के कर रहा है, वो वीडियो दिखाया हमने। सोचिए लिंचिंग हुई है उधर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक तरफ की बात को सुने। ये मेरा वर्जन नहीं है अमीश जी, आप मेरी बात भी सुनिए। बोलिए बोलिए 30 सेकंड बोलिए दंशलभ जी। तो क्यों बुलाया है, सिर्फ अपनी बात कहने को थोड़ा आप अपनी बात कह रही हैं। बिल्कुल मैं बोलूंगी अपनी बात। लखीमपुर में एफआईआर फाइल हुई है, उस एफआईआर को पढ़िए, उस एफआईआर में लिखा, मैं अपना वर्जन नहीं बता रही हूं। और मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसके पुत्र के खिलाफ एफआईआर हुई है, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो गुनहगार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और जो बेकसूर है उन सारे विपक्ष के नेताओं को आपने डिटेंशन और गिरफ्तार किया है। किस बूते पर आपने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया, किस धारा के तहत गिरफ्तार किया है? ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ डरपोक तानाशाहों से, किस तरह से आप किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं यहाँ पर बुला बुला कर? क्या बातें हो रही है यहाँ पर, मैं चुप बैठ के सुनूंगी? ये देश किसानों के बल पर चलता है, वो चुप बैठ के सुनेंगे? यहाँ पर किसानों को आतंकवादी बुलाया जाएगा? शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ठीक है शलभ, मैं भानु जी आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले शलभ फिर अनुराग जी। भानु जी मैं आपको मौका दूंगा, अभी तक समझ में नहीं आया वैसे। भानु जी शलभ मणि त्रिपाठी, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार से, एक एक करके जवाब दीजिएगा शलभ जी, आज बड़े सारे सवाल हैं आपसे, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार डर रही है? जो विपक्ष का आरोप है, अखिलेश यादव को आप लोग रोकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को आप लोग रोकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा झाड़ू लगा रही है कमरे के अंदर, क्या यह तानाशाही है आपकी सरकार की? जवाब दीजिए, आपसे हैंडल नहीं हो रहा। अमीश जी आपने ढेर सारे सवाल पूछे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा वक्त मुझे मिलेगा अपनी बात रखने का। देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है, और आज से नहीं पिछले कुछ वक्तों से देख रही है कि एक पार्टी ऐसी है जो जब सत्ता से बाहर होती है तो उसको खून चाहिए होता है, आम लोगों का खून, देश की कीमत पर। देश कहां जा रहा है,
देश में किस तरह से नफरत की आग लगाई जाए, देश के किस तरह टुकड़े किए जाएं, ये वही पार्टी है जिसने धर्म के आधार पर इस देश के दो टुकड़े किए, इस देश के सीने पर आरी चलाई, वो शांति से बैठ नहीं सकती। आपको मैं उदाहरण देता हूं, नागरिकता संशोधन कानून आया, कौन सी पार्टी थी जिसने पूरे देश में हिंसा फैलवाई? कांग्रेस पार्टी। तीन तलाक का कानून आया, कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने पूरे कानून की आड़ में, इस कानून के विरोध की आड़ में इस देश में हिंसा फैलाने का प्रयास किया? कांग्रेस पार्टी। धारा 370, आप राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए और इमरान खान का ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैं वैसे ही पे आ रहा हूँ। धारा 370 पे इमरान खान का ट्वीट देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, जवाब दो इस बात का, किसानों की हत्या करवाओगे? किसान आंदोलन नहीं कुचला गया तो किसानों को कुचलोगे? देखिए चेहरा बेनकाब होते ही बौखला गया, इस बात का जवाब दीजिए। और अमीश जी आप बताइए ना, आप कौन सा किसानों का चेहरा दिखा रहे हैं? अच्छा ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, उनको भी 40 सेकंड का मौका मिल जाए अपनी बात को रखने का, उनसे भी सवाल पूछे गए, चौधरी साहब ने भी सवाल पूछे, आपने भी पूछे, फिर अनुराग जी भी हैं। ओके, आप अपनी बात को रखिए। अमीश जी, चेहरे पर से नकाब हटना शुरू हुआ तो देखिए बौखलाहट कैसे आई। 370 पर इमरान खान और राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, और आज आज ये किसान आंदोलन की आड़ में समझ में आ रही है, किसानों को मार रहे हो, फिर आ गए, शर्म करो, फिर आ गए, किसानों की हत्या कर रहे हो, किसानों को कुचल रहे हो। देखिए अमीश जी, देखिए अमीश जी, देखिए कौन बौखला रहा। देखिए अमीश जी, अगर आप चाहते हैं मैं न बोलूं, मैं शांति से नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन अपनी बात 25 सेकंड में कंप्लीट करिए, देना अनुराग भदौरिया। आप देखिए ना, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आप जो है उनको नहीं रोक रहे, क्योंकि नहीं, मैं उनको भी रोक रहा हूँ, मैं आपको भी बोलने के लिए दे रहा हूँ। देखिए शलभ, मेरे पे आरोप लगा के कुछ नहीं होगा, आप अपने वक्तव्य को रखिए। उन्होंने बीच में बोला मैंने उनको रोका, तीन बार ही रोका, लेकिन वो भी अपनी बात को रखने का उनको भी हक है। ठीक है, आप अपनी बात को 30 सेकंड में रख लिए, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या लोकतंत्र नहीं है जो सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल से पलट के आप 370 पे जा रहे हैं? जवाब दीजिए। जब वो बोल रही थी और बुजुर्ग किसान नेता बीच में टोक रहे थे, तो उनको अपमानित करके उनको चुप करा दिया गया। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो उनको वो टोक रही है, आप उनको नहीं रोक रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये किसान, तथाकथित किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसमें एक पार्टी को खून मांग रहा था, उनको लाशें चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन लखीमपुर में हिंसा करा दी। और देखिए हिंसा होते ही कैसे चन्नी को वहां से भेजने लगे, पंजाब से, हरियाणा के अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को वहां से भेजने लगे, हुड्डा साहब भी चले आए, प्रियंका वाड्रा भी चली आई, किसान की बेटी जो कांस्टेबल है उसको अपमानित किया। कौन कर रहा है ये सब? कौन इसकी प्रतीक्षा कर रहा था? अखिलेश यादव भी तो थे, अखिलेश यादव तो यूपी में ही थे, अखिलेश यादव को तो घर से निकाल दिया गया। उन पर भी आ रहा हूँ, उन पर भी आ रहा हूँ, 30-20 सेकंड में उस पर आ रहा हूँ। लेकिन धर्म के आधार पर इस देश को जिसने बांटा है, वो देश देखिए, देश के साथ कांग्रेस पार्टी आग से खेल रही है, लेकिन ये देश बचेगा? कांग्रेस पार्टी आग में भस्म हो जाएगी। आज इनकी जो हैसियत है, इस देश की जनता दोबारा उससे नीचे ले जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, आज इस देश के लोगों ने देखा है किस तरह जीपें फूकी। सोमवार का दिन था, लोग दफ्तर जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे